तो गाइस मेरे पुराने तहखाने से आज मुझे मिली एक पुरानी सी किताब और पता नहीं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। देखते हैं कि एग्जैक्टली मुझे लगता है काफ़ी पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बारिशों से और यहाँ वहाँ से बूंदा बूंदी से भीग भीग करके आई है, काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी है। पर आज मेरे हाथ में लगने के बाद अब देखते हैं आखिर लिखा क्या इसके अंदर। मुझे बहुत ही खतरनाक सी लग रही है ये। 12 बजे रात को पीपल का मतलब क्या है, पीपल के पेड़ के भटकती हूँ। 12 बजे रात को पीपल की पेड़ को भटकती हूँ। आखिर इस किताब में कौन सी बातें लिखी हुई है? बहुत अचानक से मुझे लगा किताब काफी गर्म होते जा रही है, ऐसा लग रहा है इसमें आग लगने वाली, मुझे ऐसा लगता है। मैं हिम्मत हो बाबा, ओह खतरनाक चेहरा, कोई नहीं, क्या इस किताब में बाबा के बारे में लिखा हुआ है? हिम्मत हो तो 12 बजे रात को बाबा आगे पढ़ने की मेहनत तो हिम्मत नहीं हो रही है, पर आप लोगों के बारे में सोचते हो मैं इसे ओपन करता हूँ, एग्जैक्टली देखता हूँ कि आगे लिखा क्या है इस किताब के अंदर। ओ भाई साहब आग क्या चल रहा है इस किताब में? कोई के बाद अचानक से आग लगा, आगे पढ़ू कि नहीं? मैं कोई नहीं, कोई नहीं। ओ भाई साहब ये क्या है, आग क्यों लग रही इस किताब में आखिर अचानक से? कोई नहीं कुछ, क्यों आग क्यों लग रही इस किताब को? थी आप देख रहे ना गाइस कि ये जो किताब है इसके जैसे ऐसे हम लोग पन्ने आए कर रहे हैं ना, वैसे कुछ ना कुछ लिखे हैं। और लिखने के साथ बात क्या है कि लिखने के साथ इस किताब में जैसे हम पन्ने पलट रहे हैं ना, आगे की तरफ आग लगती जा रही है और मुझे लग रहा है कि मुझे इस किताब को आगे नहीं खोलना चाहिए। हिम्मत हो अब इस किताब को इसके आगे खोलने की हिम्मत मेरी नहीं होगी, क्योंकि बाबा के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है इसके अंदर। आखिर उनको क्या लिखा है एग्जैक्टली इस पीपल के बारे में, और मतलब पीपल का पेड़ का जिक्र है इसमें, बाबा का जिक्र है, और सारी की सारी चीज़ एक दूसरे से मिली हुई है। मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या इसके साथ मतलब कनेक्शन है, इंटर कनेक्शन क्या है। मैं इस किताब को जो कि बिल्कुल काली सी है समझिए, मैं इसे नहीं खोलने वाला हूँ। सोचना पड़ रहा है कि आखिर एग्जैक्टली इस किताब में लिखा क्या है, आखिर क्या कुछ इस पीपल के बारे में लिखा हुआ है। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।